वीडियोस, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। हुक्का फ्लेवर बनाने वालों पर छापा, बोतल से युवक का सिर फोड़ा। नागपुर में 4 नए पॉजिटिव। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलमना पुलिस ने तंबाकू मिलाकर हुक्का फ्लेवर बनाने वालों पर छापा मारा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। पकड़े गए आरोपियों में ओल्ड मानकापुर निवासी दुर्गेश विजय अग्रवाल और दुर्गा नगर भरतवाड़ा रोड निवासी आनंद बालाजी बड़ी 4 का समावेश है। PSI अनिल इंगोले को जानकारी मिली थी कि दुर्गा नगर परिसर में एक गोदाम में सुगंधित तंबाकू तैयार की जा रही है। वहीं भारी मात्रा में प्रतिबंधित तंबाकू भी रखी है। पुलिस FDA के अन्य सुरक्षा अधिकारी पीयूष के साथ पुलिस ने गोदाम पर छापा मारा। अग्रवाल और वड़ी 4 तंबाकू की मदद से हुक्का फ्लेवर तैयार करते रंगे हाथ पकड़े गए। गोदाम से 108 हुक्का शीशा तंबाकू, एंगल हुक्का शीशा तंबाकू, खुली सुगंधित तंबाकू, पैकिंग मशीन आदि सामान सहित 7 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। हाईकोर्ट ने केवल हर्बल हुक्का के सेवन को ही हरी झंडी दिखाई है। बावजूद इसके शहर में हुक्का पार्लरों में तंबाकू सहित हुक्का फ्लेवर उपलब्ध करवाए जाते हैं। दूसरी खबर, हुड़केश्वर थाने के तहत तुकड़ोजी पुतला चौक पर मोबाइल पर बात करने वाले युवक के सिर पर बोतल मारकर 4 आरोपियों ने उसका सिर फोड़ दिया। आरोपियों में पवन राजू केतवास, कनिष केतवास, प्रतीक और मंगल धोटे संजय गिरी का समावेश है। यह वारदात शुक्रवार की रात 10:30 बजे घटित हुई। जख्मी युवक काटोल निवासी आशीष नरेटी है। शुक्रवार को आशीष तुकड़ोजी पुतला चौक के पास रहने वाली बहन के घर गणेश उत्सव पर मिलने आया था। फोन आने पर आशीष मोबाइल पर बात करते हुए तुकड़ोजी पुतला चौक स्थित पराठा विक्रेता के ठेले के पास ही खड़ा हो गया। तीसरी खबर, नागपुर जिले में शनिवार को 4 नए पॉजिटिव मिले। इसमें शहर के 2 और जिले के बाहर के 2 लोगों का समावेश है। ग्रामीण में आज कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया। वहीं सितंबर महीने में मौत के आंकड़े स्थिर बने हुए हैं। अब तक कुल 4,93,114 पॉजिटिव मिले, जबकि मौत के आंकड़े 10,129 पर स्थिर है। शनिवार को 7 संक्रमित स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने वालों की संख्या 4,82,932 पर जा पहुंची है। आज नमूने कम जांचे गए। क्वारंटाइन की शर्त की वजह से शहर में जांच कराने वालों की संख्या में कमी आई है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS सिंधी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर रोजाना खबरें देख सकते हैं। लिंक्डइन, हाइक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इससे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।